हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेरी। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, और हम बोलते हैं वेरी रिच, वेरी वेल्दी, वेरी पुअर। तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बारे में कि वेरी को कैसे रिप्लेस किया जाए। तो रिप्लेस करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अपनी नोटबुक और पेन लेकर आ जाओ। तो फर्स्ट है हमारा वेरी पेल, यानी कि बहुत पीला। ऐसे लगता है जैसे कोई बीमार हो गया तो हम बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी पेल। उसके बजाय आप बोल सकते हैं एशन, ASHEN, यानी कि राख के समान। तुम ऐसे लग रहे हो बुझे हुए। एंड ऑल्सो आप इसकी जगह बोल सकते हो फेडेड, FADED, फेडेड। नेक्स्ट है हमारा जब बहुत शोर मच रहा होता है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी नॉइजी। इसके बजाय आप बोल सकते हैं इट्स डेफनिंग। डेफनिंग मतलब कान फाड़ो। इसके अलावा जब बहुत ठंड लगती है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी कोल्ड। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से इट्स फ्रीजिंग। जब बहुत ठंडा होता है या बहुत गर्म होता है, जैसे मान लो कि बहुत गर्म है, कोई चीज़ है वो बहुत गर्म है, हम बोलते हैं इट्स टू वॉर्म, इट्स टू हॉट, इट्स वेरी हॉट। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से स्वेल्टरिंग। जैसे आप बहुत डर गए, आप बोलते हो आई एम वेरी स्केयर्ड, तो आप उसकी जगह बोल सकते हो आई एम पर्टिफाइड। तो वेरी स्केयर्ड की जगह है, आपको बोलना है पर्टिफाइड। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको सिखाने के लिए, सीखने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा।